हाय फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में आप लोग को स्पष्ट फलनों का अवकलन डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन का जो टॉपिक है ये बताने वाले हैं। ये हमारे क्लास 12 का टॉपिक है जो कि प्रश्नावली 5.3 में यूज होता है। बहुत सारे स्टूडेंट को स्पष्ट फलनों का अवकलन के बारे में जानकारी नहीं रहता है। उनको क्वेश्चन तो बनाने आ जाती है, लेकिन उनको स्पष्ट फलन का अवकलन कंसेप्ट क्या कहता है उनको समझ में नहीं आती। तो उसी टॉपिक को आज हम समझाने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छे तरीका से समझाने की हम कोशिश किए हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि स्पष्ट फलन का अवकलन होता क्या है। पहले आपको मौखिक बता देते हैं, उसके बाद लिख करके बता देंगे ताकि आप लोग का 100% समझ में आते रहे। स्पष्ट फलन कहता है कि ऐसा फलन जो दो फलनों से मिश्रित हो, जिसका अलगाव दूसरे से संभव न हो, उसे स्पष्ट फलन कहा जाता है। इसे बनाने की रूल होती है जो कि आपको चलो समझाते हैं, ठीक है। पहले इसका डिफिनेशन हम आपको परिभाषा बता देते हैं लिख करके कि ऐसा ऐसा फलन जो दो फलनों से दो फलनों से मिश्रित हो, जिसका जिसका अलगाव जिसका अलगाव दूसरे से संभव न हो, उसे स्पष्ट फलन कहा जाता है। स्पष्ट फलन कहा जाता है, ठीक है। ऐसा फलन जो दो फलनों से मिश्रित हो, जिसका अलगाव दूसरे से संभव न हो, उसे स्पष्ट फलन कहा जाता है। इससे बनाने का रूल होता है, नंबर 1, जो दिया रहेगा उसे क्या करते हैं, लिख लेते हैं। जो दिया रहेगा उसे क्या करेंगे, लिख लेते हैं। मान लो कोई क्वेश्चन दिया है, जो क्वेश्चन दिया है उसको पहले क्या करते हैं, लिख लेते हैं। नंबर दो है कि एक्स के सापेक्ष अवकलन एक्स के सापेक्ष अवकलन दोनों तरफ कर लेंगे। क्या कर लेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन क्या करेंगे, दोनों तरफ कर लेंगे। और तीसरा है कि दोनों तरफ dy/dx का यदि आए तो कॉमन लेते हैं। क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। यही रूल है और इसी रूल पर आपको क्या होगा, एक क्वेश्चन भी बन जाएगा, ठीक है। तो अब हम आप लोग को बताने वाले हैं किस तरह का क्वेश्चन आएगा, तो कैसे आप dy/dx कॉमन लेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। तो एक एग्जांपल भी आपको समझाने की हम कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लो कि y+sin y = cos x है, तो आपको बताना है dy/dx क्या होगा, ये बताना है, ये क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे क्या करेंगे कि जो दिया रहेगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट जो दिया रहेगा उससे पहले लिख लेते हैं। तो इसको ऐसे करते हैं, हल लिख करके जो दिया है ना, y+sin y = cos x, जो दिया था उससे हम क्या किए, लिख लिए। अब इसको क्या करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन दोनों तरफ कर लेते हैं। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन अवकलन दोनों तरफ करने पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, y में d लगाएंगे तो dy/dx, अब प्लस इसमें d लगाएंगे तो d sin y, y बेस बन रहा है तो y को लाएंगे नीचे, तो ये हो गया dy/dx।
डी एक्स बराबर, इसमें डी लगाएंगे तो डी कॉस एक्स बाई डी एक्स। ठीक है, अब देखो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स। साइन वाई का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, कॉस वाई, और ये तो डी वाई बाई डी एक्स है तो डी वाई बाई डी एक्स ही रहेगा। और कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, साइन एक्स। साइन एक्स होता है कि माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स होता है, याद रखिएगा। अब देखो यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स, इसको क्या करेंगे कॉमन लेंगे, तो डी वाई डी एक्स कॉमन लिए तो यहाँ पर कुछ नहीं तो एक बच गया, प्लस यहाँ तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिए तो बच का गया कॉस वाई बराबर में माइनस साइन एक्स। अब ये गुना कर रहा इधर जाएगा तो भाग कर देगा, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस साइन एक्स बाटा वन प्लस कॉस वाई, और यही देखिए आपका डी वाई डी एक्स का आंसर हो गया। तो इस तरीका से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि अस्पष्ट फलन का अवकलन क्या होता है इसके बारे में। ये बहुत ही छोटा टॉपिक था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसा आप लोग को यूट्यूब पर बहुत कम ही वीडियो मिलता है जो अलग अलग टॉपिक रहता है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग को हर एक छोटा छोटा टॉपिक, हर एक कंसेप्ट को सिखाने की कोशिश रहेगा, ताकि आपको एयरफोर्स नेवी में ये सब बहुत काम देगा। ठीक है, चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं हम अब अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।